नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हरियाणा चुनाव के अंदर कांग्रेस के खेमे में अंदर सुलह हो गई है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 15 दिन के बाद आखिरकार कांग्रेस की सांसद और दलित नेता कुमारी शैलजा हरियाणा चुनाव प्रचार में उतर आएंगी। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है, क्या उनकी नाराजगी दूर हो गई? कुछ हद तक तो यही माना जा रहा है क्योंकि करनाल के असंत में राहुल गांधी की रैली में कुमारी शैलजा ने शिरकत की और मंच से संबोधन भी दिया। अहम बात अब यह है कि अपने पोस्टरों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जगह न देने वाली शैलजा ने अपने संबोधन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जगह दी। इस दौरान हालांकि कुमारी शैलजा ज़्यादा नहीं बोली हैं, केवल 5 से 7 मिनट तक ही उन्होंने अपना भाषण दिया। इस दौरान शैलजा के चेहरे पर ज़्यादा हाव-भाव नज़र नहीं आए हैं और वो काफ़ी गंभीर मुद्रा में नज़र आईं। करनाल के असंध में कुमारी शैलजा ने मंच से संबोधन के दौरान जैसे ही भाषण की शुरुआत की, सबसे पहले राहुल गांधी का नाम लिया, जिसके बाद कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम लिया। अहम बात इसमें ये देखने को मिली है कि राहुल गांधी बीच में और एक तरफ कुमारी शैलजा और दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा बैठे हुए थे। शैलजा ने अपने भाषण में ये कहा कि राहुल गांधी ने पार्टी का रुतबा ऊंचा कर दिया है और लोकसभा चुनाव में अपने यहाँ ये सबसे ज़्यादा देखा गया। संसद के सत्र के दौरान भी आपने देखा होगा कि कैसे पीएम कई बार राहुल गांधी की स्पीच पर बोलते नजर आए। और हरियाणा में 10 साल का कुशासन का बदला चुकाने का अब वक्त आ गया। 36 बरादियां और सभी लोग इंतज़ार में हैं और इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो रही। और आप सभी से अपील है कि आपने उत्साह दिखाना है या भाई शमशीर सिंह गोगी को जिताना है, हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताना है। और उसके बाद हुड्डा ने माइक संभाला और उन्होंने अपनी शुरुआती भाषण में शैलजा का नाम लिया और उन्हें एक बड़ा नेता बताया। हुड्डा ने यह भी कहा कि भारत के सर्वमान नेता राहुल गांधी जी हैं और वो मजबूती के साथ लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं। हुड्डा ने यह भी कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा की गई थी तो उसके बाद से नया जोश लोगों के अंदर भरा था, अब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। 10 साल हमारी सरकार भी रही है और 10 साल भाजपा की भी रही। बातें बड़ी बड़ी किया करते हैं लेकिन लोग तोल सकते हैं, सिर्फ घोषणाएं की गई हैं या फिर कोई काम भी किया गया। आपको बताएं कि टिकट आवंटन में शैलजा को ज़्यादा तवज्जो न मिलने के बाद से ही वो काफ़ी नाराज़ चल रही थी। 12 सितंबर के बाद से उन्हें प्रचार नहीं किया था और ना ही सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो को पोस्ट या शेयर किया गया था। इस दौरान शैलजा ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की थी और भाजपा ने शैलजा के बहाने दलितों के अपमान के मुद्दे को लेकर भी उठाया था, लेकिन अब कांग्रेस ने इस मामले में अब कहीं ना कहीं शांत कर दिया है और कुमारी शैलजा को भी अपने पाले में लेकर हरियाणा का चुनाव और भी ज्यादा रोचक बना दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों और छोटी बड़ी हर खबर के लिए आप बने रहे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।